जिनकी उपासना धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति करवाने वाली है, जिनकी भक्ति से रोग शोक भय संताप का नाश हो जाता है, जो जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है, ऐसी माता कात्यायनी को हमारा कोटि कोटि नमन। देववाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए माता कात्यायनी की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन हुए हैं, जिन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना की। कठोर उपासना करके उन्होंने माता रानी के दर्शन प्राप्त किए और माता रानी से वरदान प्राप्त किया कि वो उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। माँ ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वरदान दिया। इस प्रकार माता रानी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्य की पुत्री, कात्य ऋषि की पुत्री होने के कारण ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा भक्ति अमोघ फलदायिनी है। कहते हैं गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वे प्रतिष्ठित हैं। चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। जय माँ कात्यायनी। माता कात्यायनी सभी भक्तों के रोग शोक भय और संताप का सदैव हरण करती रहे और उनके जन्मों जन्मों के पापों को भी नाश करे। जय माँ कात्यायनी। ये थी छठे नवरात्र की कथा। सप्तम नवरात्र की कथा लेकर देववाणी चैनल में फिर हाजिर होंगे। जय माता दी।